ये तो तुम्हारी अकल पे हैरत हो रही है, अम्मी की बातों में आकर। अरे इंसान को उससे शादी करनी चाहिए जिससे वो मोहब्बत करता हो, जिसके साथ रहना चाहता हो, प्यार करता हो उससे। और तुम्हें भी उससे शादी करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो। अपना बात सुनो, तुम्हें इनकार करना सीखना होगा। मैंने भी तो इनकार किया है ना। तुम लोगों को अपने फैसले क्यों करने देती हो, कुछ कहती नहीं हो किसी को, बोलना सीखो यार। इस तरह तुम लोगों के फैसलों के तले पिसती रहोगी हमेशा। बोलती नहीं है, बोलो मुताहिर। और सुनो, तुम्हें जो भी कहना है ना जल्दी कहो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वैसे ही स्टडी कर रही हूँ। तुम ठीक कह रही हो अनिका, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उमेर को फातिमा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हद होती है मुताहिर, तुमने मुझे ये बात करने के लिए कॉल की है? मेरी बात को समझो अनिका, तुम्हारी उमेर से बहुत अच्छी दोस्ती है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें इसलिए कहा है कि तुम प्लीज उमेर से बात करके देखो, शायद तुम्हारी बात समझ आए। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि मैं उसके मामलात में कहूँ, उसकी पर्सनल लाइफ में मैं क्यों इंटरफेयर करूंगी? अनिका, अगर आप अपने किसी दोस्त को अच्छा मशवरा दें तो वो इंटरफेयर करना नहीं होता। ऐसे एक बात तो बताओ, फातिमा से तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? हाँ? अरे खामोश क्यों, जवाब दो। देखो अनिका, जिस तरह तुम मेरी कजन हो ना, उसी तरह फातिमा भी मेरी कजन, मुझे एहसास है उसका। ओ, कुछ ज्यादा ही एहसास नहीं हो रहा? वैसे बात सिर्फ एहसास की है या कोई और बात है? तुमसे तो बात करना ही फजूल। अरे शर्मा क्यों रही हो, मैं तो सिर्फ साइज चेक करना चाह रही हूँ बेटा। माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल फिट आई है तुम्हारे, लग रहा है तुम्हारे लिए बनी है। किससे पूछ के अम्मी आपने ये फैसला लिया? बल्कि किससे क्या, मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने ये? आपको पता नहीं है उसमें और मेरे में कितना फर्क है, सोच में कितना फर्क है? आपको क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगा? मुझे तो आपकी सोच पे हैरानगी हो रही है। प्यार की राहों पे
अनजाने में ही मेरे ये नादा कदम चल पड़े थे। प्यार की राहों पे अनजाने में ही मेरे ये नादा कदम चल पड़े थे। लम्हों में उजड़ेगी मेरी दुनिया, लम्हे बिचारे कहाँ जानते थे। अरमा भी मेरे आ जाओ। आज सुबह से आपने एक बार भी चाय का नहीं कहा, इसलिए मैं आपके लिए खुद ही बनाकर लेकर आ गई। सच पूछो बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुम्हारा सामना करने की। जो कुछ मैंने कर दिया है वो ताई अम्मी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये मेरा नसीब था और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे वाकई बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। ताई अम्मी प्लीज, आप मेरे लिए मां से बढ़कर हैं। आपकी शर्मिंदगी मुझे तकलीफ दे रही है। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दिखाए। ताई अम्मी, ये आप रख लें। नहीं बेटा, नहीं, ये अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी। देखो, जो मैं रिश्ता बनाना चाहती थी वो तो नहीं बना सकी, और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं ये अंगूठी अपनी बहू को दूं, मगर अब मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। नहीं ताई अम्मी, इस अंगूठी पर वो मेहर की होने वाली बीवी का हक है। आप हमेशा से यही चाहती थी ना कि आप ये अंगूठी अपनी होने वाली बहू को दें, तो आप ये उसे ही दीजिएगा। लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि इसे तुम रखो बेटा। I'm sorry ताई अम्मी, लेकिन मैं आपकी ये वाली ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। अम्मी आपने ये फैसला लिया है, आपको पता नहीं है उसमें और मेरे में कितना फर्क है, सोच में कितना फर्क है। आपको क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगा? मुझे तो आपकी सोच में हैरानगी हो रही है। अनीका, ये तुम्हारे कपड़े आ गए हैं, बता दो कौन सा पहनोगी आज। अनीका, मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। आप कुछ कह रही हैं? जाहिर सी बात है, यहाँ तुम्हारे अलावा और है कौन? वैसे किन सोचों में गुम हो? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अगर उस दिन उमेर ताई जान के कहने पर आत्मा से मंगनी कर लेता तो। उमेर मुताहिर नहीं है जो अपनी माँ की हर बात मान ले। तुमने देखा नहीं कैसे सबके सामने उसने इनकार कर दिया? लेकिन उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि
शायद मैंने उमेर को हमेशा के लिए खो दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उमेर से मोहब्बत हो गई है।